स्वागत कार्यक्रम है। हम सब स्वागत कार्यक्रम में प्रवेश कर चुके हैं। हम सब देख रहे हैं कि हमारे जमगाई यूनिट के माता पिता एवं भाई बहने बड़े ही जोश एवं उमंग के साथ आज के स्वागत कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रांची धर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष फिलिप्स टोपो यीशु समाजी, सहायक धर्माध्यक्ष थियोडोर मस्केरेनस SFX एवं श्रद्धेय फादर रेमंड क्रिकेटा यीशु समाजी, मानर क्षेत्र की विधायक श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, पूर्व विधायक श्री बंधु तिर्की को हमारे बीच हमारे चमगाई यूनिट की माता पिता स्वागत गान एवं नृत्य के द्वारा मंच के सामने तक ला रही हैं। वाह वाह, इतना इतनी खूबसूरत नृत्य, आज हमारा दिल गदगद हो उठा है। हमारी खुशियाँ दिन गुनी रात चौगुनी के समान होता जा रहा है। छोटा नागपुर के प्रेरित इस सेवक फादर कॉन्स्टेंट क्लीवेंस की 138वीं वर्षगांठ एवं वार्षिक तीर्थ यात्रा के शुभ अवसर पर आज यह मंडप सुशोभित नजर आ रहा है एवं अत्यंत खुश नजर आ रहा है। सभी विश्वासी गणों से अनुरोध करती हूँ कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे चमगाई यूनिट की माता पिता बहुत ही सुंदर तरीके से आज के हमारे मुख्य अतिथि गण को अपने सुंदर नृत्य एवं गानों के द्वारा मंच तक ला रही हैं। सभी विश्वासी गणों से अनुरोध है कि आप सभी कृपया हमारे आज के मुख्य अतिथि गणों का स्वागत करें। कृपया जोरदार तालियों के साथ हमारे आज के अतिथियों का स्वागत करें। गणों से अनुरोध है कि आप जोरदार तालियों के साथ आज के हमारे मुख्य अतिथियों का स्वागत करें। मैं जमगाई यूनिट के माता पिता एवं भाई बहनों का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से अपने गीतों एवं सुंदर नृत्य द्वारा आज के हमारे मुख्य अतिथियों का स्वागत कर मंच तक लाए हैं, अतः मैं उन्हें धन्यवाद करता हूँ। कृपया जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी माता पिता एवं भाई बहनों को बहुत ही सुंदर नृत्य एवं अपने गानों के द्वारा हमारे आज के मुख्य अतिथियों को स्वागत कर मंच के सामने तक लाए हैं। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। स्वीकृत आमंत्रण किया रखा हमारा मान, स्वीकृत आमंत्रण किया रखा हमारा मान, कैसे करे कृतज्ञता। स्वागत है आदरणीय हमारे बीच में उपस्थित अति मान्यवर रांची धर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष फिलिक्स टोप्पो येसु समाजी, सहायक धर्माध्यक्ष अति मान्यवर थियोडोर मस्किरनस SFX, श्रद्धे फादर रेमंड किरकेट्टा, श्रद्धे फादर हुबर्टस बेग, मांडर क्षेत्र की विधायक श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की एवं पूर्व विधायक श्री बंधु तिर्की, पुरोहितगण, धर्म बहने, अमूल्य नीरज खलखो, जमगाई पंचायत के मुख्य पत्रस तिर्की, दूर एवं निकट से आए सभी विश्वासीगण। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस पवित्र भूमि गांव छमगाई में आप सब एकत्रित हुए हैं। छोटा नागपुर के प्रेरित इस सेवक फादर कॉन्स्टेंट लिवंस, उन्होंने ही ख्रिस्त विश्वास का प्रथम बीज बोया है और प्रभु की महत्तर महिमा हेतु दीन दुखियों, असहाय व जरूरतमंदों की सेवा की और आज हम सब उनके आगमन की 138वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस शुभ अवसर एवं वार्षिक तीर्थयात्रा अर्थात हमारे लिए दोहरी कृपा एवं खुशी का दिन है। अतः आज के इस शुभ दिन में सहृदय इस छोटे से स्वागत समारोह में सहभागी होने के लिए आप सब, हम सभी हुलुंडुपल्ली के ख्रिस्त विश्वासी, आप सभी मेहमान के रूप में यहाँ उपस्थित विश्वासी गण का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। हृदय से आप सभी का स्वागत करते हैं, आप सभी से प्यार बेशुमार करते हैं। आप सभी के पावन कदमों ने किया मंच को पावन। मैं तहे दिल से आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इसी के साथ मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे हुलुंडुपल्ली के माताओं को उनकी स्वागत गान को लेकर आमंत्रित करता हूँ। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। खुशियाँ नगमे बिखेर रही हैं, खुशियाँ नगमे बिखेर रही हैं, दबे दबे पाँव से कुछ कह रही हैं। आज दिन कुछ खास है हम सबों के लिए, पधारे आज प्रांगण में खास मेहमान हैं। तालियों के साथ स्वागत करें इनका, क्योंकि ये हमारी महफिल की जान है। आज हुलुंडुपल्ली के जमगाई प्रांगण के अनमोल समारोह के मुख्य अतिथि अति माननीय महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टोप्पो SJ, बिशप थियोडोर मस्करेनस, श्रद्धे फादर ओरल विश्वरिस SJ, फादर रेमंड किरकेट्टा येसु समाज के प्रोविंशियल सुपीरियर, श्रद्धे फादर अशोक सैंडिल, हमारे हुलुंडुपल्ली के पल्ली पुरोहित फादर हुबर्टस बेग, दूर दराज से आए सभी फादरगण, सभी धर्म बहने, हमारे समाज के शुभचिंतक विधायक शिल्पी नेहा तिर्की एवं भूतपूर्व विधायक बंधु तिर्की, यहाँ पे उपस्थित आदरणीय माता पिता, भाई बहन एवं बेटे बेटियाँ, आप सबों को हम माताएं फादर कॉन्स्टेंट लिवंस के 138वां
वर्षगांठ के शुभ अवसर पर आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हैं। आप सभी के चेहरे की चमक ही सब कुछ साफ बता रही है कि आप सभी यहां आकर अत्यंत खुश हैं। आप लोगों की खुशी में चार चांद लगाने के लिए इस गौरवशाली दिन पे स्थानीय रीति रिवाज के साथ आप सबों को आदर सम्मान देने हेतु एक स्वागत गाना हुलहुंडू पल्ली की माताओं के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। हेलो पानी हमारे हाथ गोड़ धोए
हमारे उलुंडुपल्ली के माताओं को उनके सुंदर एवं मनमोहित स्वागत गान के लिए धन्यवाद करता हूँ। कृपया धन्यवाद स्वरूप जोरदार तालियां बजाएं। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मान्यवर थियोडोर मस्करेनस, महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टोप्पो, श्रद्धे फादर वोरल ब्रिस येसु समाची, श्रद्धे फादर रेमन क्रिकेटा येसु समाची, मांडर क्षेत्र की विधायक श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, अमूल्य नीरज खलखो, इस सेवक फादर कॉन्स्टेंस लिवंस की इस शुभ दिन में आज के हमारे मुख्य अतिथियों को सोल ओढ़कर सम्मानित किया जा रहा है। कृपया जोरदार तालियों के साथ हम सभी आज हमारे मुख्य अतिथियों का पुनः हमारे बीच में स्वागत करें। हमारे बीच में रांची येसु समाज के प्रतिनिधि श्रद्धे फादर रेमंड क्रिकेटा येसु समाजी उपस्थित हैं। मैं श्रद्धे फादर रेमंड क्रिकेटा को अपने विचारों को हमारे बीच में रखने के लिए आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। अति माननीय माधर्माध्यक्ष फेलिक्स टोप्पो येसु समाजी, सहायक धर्माध्यक्ष थियोडोर मस्करेनस SFX, श्रद्धे पुरोहित गण, धर्मबंधु गण, धर्म बहने, गण्यमान्य विशिष्ट अतिथि गण, प्यारे माता पिताओं, भाइयों एवं बहनों, मैं फादर रेमन क्रिकेटा येसु समाजी, श्रद्धे फादर अजीत कुमार खेस येसु समाजी, प्रोविंशियल सुपीरियर, जो इस समय अपने आवश्यक मीटिंग के लिए रांची से बाहर हैं, एवं रांची प्रोविंस के समस्त येसु समाजी भाइयों के नाम यह संदेश आप सबों के लिए देना चाहता हूँ। छोटे नागपुर की धरती मिश्रियों की कर्मभूमि रही है। इतिहास के पन्नों के आधार पर उन दिनों करीब
529 मिशनरी यहाँ आए। उन्होंने बड़ी वफादारी से अपनी अपनी भूमिका अदा की। इसी क्रम में 18 मार्च 1885 को फादर कॉन्स्टेंट लीवंस रांची पहुँचे और उनका पहला पड़ाव जमगाई हुआ। फादर कॉन्स्टेंट लीवंस आज से करीब 138 साल पहले इस जगह में आए और इस भूमि को पुण्य बनाया। वे भाषा नहीं जानते थे, यहाँ की संस्कृति उनको मालूम नहीं थी, जगह नई थी, लोग नए थे, शायद वे मड़वा रोटी नहीं खाए थे, गोंदली पीठा नहीं देखे थे, पर वे ख्रीस्त को जानते थे और उनके अविरल प्रेम से सराबोर थे। यही अद्वितीय अनुभूति ने उनको हमारे बीच ख्रीस्त की ज्योति को फैलाने के लिए प्रेरित किया। 18 मार्च 1885 को दुरंदा अर्थात डोरंडा पहुंचने के दूसरे दिन 19 मार्च ठीक आज की तिथि में 1885 से ही फादर कॉन्स्टेंट लीवंस ने जमगाई में अपने प्रेरिताएं आरंभ की। पहले ही दिन उन्होंने महसूस किया कि आदिवासी भूत प्रेत या बोंगा जमींदारों और जमीन लूटने वाले दिकू शोषकों से डरते थे। फादर कॉन्स्टेंट लीवंस के सामने विकल्प था कि वे परंपरागत प्रेरिताई करें अथवा समावेशी मुक्ति के लिए काम करें। फलप्रद प्रेरिताई की आशा लिए यहाँ करीब 8 महीने तक रहकर उसने भाषा सीखी और 23 नवंबर 1885 को वे तोरपा चले गए, जहाँ पर बाजार, पोस्ट ऑफिस और थाना की व्यवस्था की। वहाँ उन्होंने करीबी से यहाँ के आदिवासियों की दशा देखी और उन्हें बहुत पीड़ा हुआ। भोले भाले आदिवासी जमींदारों द्वारा शोषित पीड़ित थे, उनकी जमीन लूटी जा रही थी। तब उन्होंने कानून सीखा और कानून के माध्यम द्वारा आदिवासियों की जमीन की रक्षा की। वहीं से आदिवासियों की समावेशी मुक्ति की मुहिम शुरू हुई। ख्रीस्त विश्वास के साथ साथ आत्मविश्वास, जमीन की जंग और कानूनी उलगुलान। सन 1887 में फादर कॉन्स्टेंट लीवंस रांची वापस आए और यहीं से उन्होंने गरीबों, शोषितों, आदिवासियों के हक एवं सम्मान के लिए संघर्ष कार्य जारी रखा। उनका स्वास्थ्य साथ नहीं देने के कारण फादर कॉन्स्टेंट लीवंस वापस बेल्जियम गए और इसी आशा से कि वे अपने लोगों के बीच रांची वापस आएंगे। लेकिन 7 नवंबर 1893 में वे बेल्जियम में ही प्रभु को प्रिय हो गए। फादर कॉन्स्टेंट लीवंस आज भी हमारे बीच उपस्थित हैं। वे छोटा नागपुर के प्रेरित हैं। कलीसिया ने उन्हें ईश सेवक घोषित किया है और उनके संत बनने की प्रक्रिया जारी है। संत पापा फ्रांसिस कहते हैं, एवरी क्रिश्चियन इज कॉल्ड टू बी ए मिशनरी, एवरी क्रिश्चियन इज अ विटनेस टू क्राइस्ट इन डेली लाइफ। अर्थात हर एक ख्रीस्त मिशनरी बनने के लिए, सेवकाई के लिए बुलाया गया है। ख्रीस्तीय हर एक ख्रीस्तीय को अपने जीवन में यीशु का साक्ष्य बनना है, और न सिर्फ साक्ष्य बल्कि ईमानदार साक्षी बनना है जैसे स्वयं यीशु ख्रीस्त थे। इसका विवरण हम संत योहन के सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 21 में पाते हैं। वे पिता के ईमानदार साक्षी बने रहे। ख्रीस्त में प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, चलिए जरा कल्पना कीजिए, अगर फादर लीवन, कॉन्स्टेंट लीवन हमारे बीच नहीं आए हुए होते तो आज हम क्या होते, कहाँ रहते। उनका आदर्श वाक्य था,
हमारी ज्योति जलती रहे। उसने हमारे बीच शिक्षा की ज्योति जलाई ताकि अज्ञानता दूर हो, विश्वास की ज्योति जलाई ताकि अंधविश्वास दूर हो, न्याय की ज्योति जलाई ताकि अन्याय दूर हो। जो आज हम हैं उनकी देन है, हम इसे भूल नहीं सकते। आज हमारी अलग पहचान है, हमारा अपना अस्तित्व है, हमारी संस्कृति है। हम अपनी अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागरूक हैं। संक्षेप में, आज हम एक सम्मानित जीवन जी पा रहे हैं। दिनांक 25 अक्टूबर 2021 को मिशन रविवार के दिन संत पापा फ्रांसिस ने विश्वासियों से सभी मिशनरियों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देने का आग्रह किया है। हम भी फादर विलीवंस के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। आज हम सभी यहाँ जमा हैं, यह हमारी उनके प्रति कृतज्ञता है और यह कृतज्ञता तभी साकार होगा जब हम उनके द्वारा जलाई गई ज्योति को, शिक्षा की ज्योति को, विश्वास की ज्योति को और न्याय की ज्योति को अपने घर परिवारों में, समाज में, देश में जला पाएंगे। इस सेवक फादर लीवंस के संत बनने की प्रक्रिया चल रही है। हमें इस मतलब के लिए और अधिक प्रार्थना करनी है, न केवल प्रार्थना करनी है लेकिन हमारे जीवन में, उनकी बातों एवं अपने कार्यों में हमें यीशु ख्रीस्त का साक्ष्य देना है। पवित्र बाइबल के प्रेरित चरित्र में अध्याय 1 पद संख्या 8 का कथन, तुम मेरे साक्षी बनो, यू शैल बी माई विटनेस, इसके लिए हम सबको आह्वान करता है। कहा गया है अंग्रेजी में, ट्रू विटनेस इज ए मार्टर, वन हु गिव्स लाइफ फॉर क्राइस्ट। सच्चा साक्षी एक शहीद है, वह जो मसीह के लिए जीवन देता है। हमें सीख और प्रेरणा मिले कि अतीत के अत्यंत जटिल परिस्थितियों में हमारे पुरोधा मिशनरियों ने आदिवासियों और गरीबों के विश्वास, सामाजिक उत्थान के लिए बहुत किया, तो हमें भी आज अपने स्तर में महत्तर और बेहतर करने की ज़रूरत है। धन्यवाद। श्रद्धेय फादर रेमंड क्रिकेटा यीशु समाजी को प्रेरणा भरे संदेश के लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तालिया की गड़गड़ाहट के साथ धन्यवाद करें। अतः मैं यहाँ उपस्थित मांडर क्षेत्र की विधायक श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की जी को आमंत्रित करती हूँ उनके सुंदर संदेश के साथ। जमगाई गांव में यहाँ पे कांस्टेंट लेविंस के वार्षिक उत्सव में उपस्थित हमारे साथ हम सभी के गार्जियन आर्च बिशप फिलिक्स टोपो, हमारे बिशप थियोडोर मस्करिनस, पल्ली पुरोहित फादर हुब्रस बेक, फादर अरुल ब्राइस, फादर रोशन तीरू, फादर फिलिप मिंज, फादर नीलम तीरू, फादर रेमंड केरकेटा, उपस्थित सभी फादर्स सिस्टर्स, साथ ही में यहाँ पे उपस्थित झारखंड प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक श्री बंधु तिर्की जी, कांग्रेस पार्टी से आए अमूल नीरज खालको जी, और यहाँ पे उपस्थित पंचायत के मुखिया पत्रस तिर्की जी, साथ ही उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, दूर दराज से आए लोग, सभी का स्वागत करते हैं और आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आज आप लोगों ने हमें यहाँ पे आमंत्रित किया अपने बीच। मेरे पिताजी बाबा बंधु तिर्की लगातार इस सभा के एक भाग रहे हैं, वो आप लोगों के साथ
पिछले कुछ वर्षों से इस सभा में जुड़ते आ रहे हैं, मगर ये मेरे लिए मेरा पहला बार है इस उत्सव में और मुझे आके यहाँ पे अति खुशी भी हो रही है। आज मैं इस बात को सोच रही थी जब 150 साल पहले फादर कॉन्स्टेंट लेविंस बेल्जियम को छोड़ के भारत देश में आए होंगे, झारखंड में अपने कदम को रखे होंगे, उस वक्त ये झारखंड कैसा रहा होगा। आज भी हम लोग गांव घर जाते हैं, वहां पे भाषा दूसरा होने के कारण बहुत बार लोग उतना स्वागत के रूप से या वेलकमिंग नहीं होते हैं। बताइए, उस समय कॉन्स्टेंट फादर कॉन्स्टेंट लेविंस ऐसे समय में आए जब लोग शायद यहां पे झारखंड में हिंदी तक नहीं जानते होंगे। भाषा दूसरा, उनका रहन सहन दूसरा, उनका बात करने का तौर तरीका दूसरा, वो दिखते भी बहुत अलग होंगे। और ऐसे हालात में उन्होंने लोगों का, गांव वालों का दिल जीता। इसका केवल एक ही कारण रहा होगा, वो यह कारण रहा होगा कि वो उनके बीच में, फादर कॉन्स्टेंट लेविंस के और गांव वालों के बीच में एक समानता थी, वह था प्यार और स्नेह। क्योंकि प्यार का भाषा, आप किसी भी जगह चले जाए, कोई भी देश चले जाए, कहीं पे भी चले जाए, प्रेम का भाषा एक ही होता है। आप शायद ही उस जगह का भाषा को मत जाने, आप शायद ही वहां पे अनजान हो, मगर जब आप मुस्कुराते हैं तो आपको वापस में मुस्कुराहट ही मिलता है। और उस प्रेम में विश्वास जताते हुए उन्होंने गांव वालों का दिल जीता, झारखंड वासियों का दिल जीता, उनका भरोसा जीता। और यहां के लोगों के लिए उन्होंने कई सारे काम कर गए वो। और आज कई बार हमें ये सुनने को मिलता है कि आदिवासी मिशनरीज के प्रति इतना क्यों समर्पित है या उनका इतना लगाव क्यों है मिशनरीज के प्रति, मगर उनको ये नहीं समझ पाते, वो लोग ये नहीं समझ पाते हैं, या जो लोग सवाल करते हैं वो इस चीज को नहीं समझ पाते हैं कि मिशनरीज ने जो यहाँ के लोगों के लिए किया, उन्होंने शिक्षा देने का काम किया, उन्हें स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य देने का काम किया, और सबसे जरूरी चीज उनका जमीन बचाने में उनका मदद किया। उस वक्त जब फादर कॉन्स्टेंट लेविंस और अन्य मिशनरीज यहां पे आए थे, उस वक्त आदिवासियों के पास कुछ था भी नहीं उन्हें देने के लिए। ऐसा नहीं था कि उनके पास कुछ सोना था, कुछ बहुत बड़े बड़े चीज थे जो उन्हें, उनसे वो लेना चाहते थे। वो निस्वार्थ भाव से उनके हकीकत को, उनके हालात को समझते हुए मिशनरीज उनका केवल मदद करना चाहते थे। और उस मदद के दौर पे आदिवासी उनके प्रति समर्पित हो गए। मगर ये सब चीजों को बहुत कम लोग जानते हैं, इसीलिए शायद जो अब शिक्षित, हमारे समाज से जो शिक्षित लोग आ रहे हैं, ऐसे लोगों को इन सभी चीजों में भी किताबें लिखने की जरूरत है, और ना केवल झारखंड मगर पूरे देश को बताने की जरूरत है कि क्यों आदिवासी लोगों का लगाव है मिशनरीज के प्रति। आज हम लगातार देखते हैं कि किस तरह से, खास करके विशेष तौर से रांची डायसिस में, आर्च बिशप फादर बिशप मास्करेनस से मेरा लगातार भेंट होते रहता है, और उनका किस तरह से लगाव है इस समाज के प्रति, कैसे इस समाज को यहां तक अगर ले आया गया है तो इसको अब आगे कैसे हम लोगों को बढ़ाना है उसके प्रति। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि वो हमेशा, उनके तरफ से जब भी मेरा एक वार्तालाप हुआ है,
उनके तरफ से हमेशा मुझे कुछ ना कुछ सकारात्मक सुनने को मिलता है इस समाज को लेके। और आज इस मंच से मैं विशेष तौर से उन दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो अपना सबसे ज्यादा समय लोगों के बीच में रह के देते हैं। वो अपने केवल बिशप हाउस में नहीं रहते हैं, वो लोगों के बीच में रह के अपना सेवा देते हैं और हमारे सोच में सोच को मिला के चलना चाहते हैं। कई सारे चीजों को समाज को लेके, संस्थाओं के, मिशनरी संस्थाओं को लेके हमेशा हमारा वार्तालाप होता है और मुझे उनके विजन में पूरा विश्वास है और हम सभी को भी उस विजन में, उनके दूरदर्शिता में विश्वास करने की ज़रूरत है। क्योंकि आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जो कलिसिया के बारे में हम बात करते हैं, वो कलिसिया तभी मजबूत हो पाएगा जब हम और आप उसमें विश्वास करना सीखेंगे। अगर हम उस पे ऊपर सवाल उठाना शुरू कर देंगे तो वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ते जाएगा। विश्वास एक बहुत बड़ा चीज़ है। साथ ही साथ कलिसिया तब मजबूत होगा जब हम और आप खुद में भी आत्मनिर्भर बनेंगे और खुद में भी शिक्षित बनेंगे और खुद में भी वो समझ रखेंगे कि क्या हमारे लिए और हमारे समाज के लिए क्या सही है और क्या गलत है। आज मेरे बोलने से पहले फादर रेमंड केरकेट्टा अपनी बातों को रख रहे थे और उनकी एक बहुत विशेष बात में मेरा ध्यान गया। उन्होंने कहा, बाइबल में ये बात लिखी हुई है कि तुम मेरी साक्षी बनो। जब उन्होंने ये बात को कहा कि तुम मेरी साक्षी बनो, तो मुझे वो दिन याद आ गए जब मैं छोटी थी और हमारे परिवार में ये एक परंपरा था कि हर एक शाम में 7 बजे प्रार्थना होता था और उस प्रार्थना में एक वाक्य था जिसको आज मैं आपको बताना चाहूंगी। वो वाक्य यह था, जब हम प्रार्थना करते थे तो ये कहते थे कि मैं जिस किसी से भी संपर्क में आऊं, मैं जिस किसी से भी संपर्क में आऊं, आपकी उपस्थिति वो महसूस कर सके। ईश्वर से हम प्रार्थना करते थे कि जिस किसी से भी मैं संपर्क में आऊं, ईश्वर वो आपकी उपस्थिति मेरे अंदर महसूस करे। और ये वही चीज कहता है कि तुम मेरी साक्षी बनो। आज फादर कॉन्स्टेंट लेविन से केवल यहां पे उनका वार्षिक उत्सव मना के हम लोग वापस चले जाए, उसके बजाय हम लोगों को सीखने की ज़रूरत है, उनसे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है कि कैसे हम लोग निस्वार्थ भाव से इस समाज में एकजुटता में रहे, कि कैसे हम अब खुद शिक्षित होने का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा पाए, कैसे हम अपने जो डिफरेंसेस हैं, जो हमारे बीच में दो तकरार हैं, उन सभी को दरकिनार करते हुए हम अपने समाज के लिए सोच पाए। और इसी चीज को ईश्वर ने भी किया और इसीलिए वो कहता है कि तुम मेरी साक्षी बनो, तुम प्रेम सिखाओ, तुम क्षमा करने सिखाओ, तुम मेरी साक्षी बनो। आज हम लोगों में से कई लोग बाइबल पढ़ते हैं, आज सभी धर्म ग्रंथ का यही हाल है। सबके घर में बाइबल है, सभी के घर में धर्म ग्रंथ है, सब लोग उसको पढ़ते हैं, मगर दिल में आज हाथ रख के आप अपने से खुद से पूछिए कि कितने लोग उसको हम पालन कर पाते हैं। और जिस दिन उस चीज का हम पालन कर पाएंगे, पालन करना सीख जाएंगे, हमारा समाज खुद में ही उत्थान कर जाएगा। आज तो बाइबल में भी ये भी लिखा हुआ है कि तुम अपने पड़ोसी से प्रेम करो, मगर हम में से कितना अपने पड़ोसी से प्रेम करते हैं। तो बाइबल पढ़ना एक चीज है, पढ़ के उसको तकिया के नीचे रख के सो जाओ कि बुरा सपना ना आए, वो दूसरा चीज है, मगर उसमें हम लोगों को चीजें सिखाई गई हैं जिससे हम साक्षी बन सकते हैं, ईश्वर की साक्षी, अपने धर्म के साक्षी, अपना जो सिखाए हुए चीजें सिद्धांत है उसके साक्षी बन सकते हैं। इसीलिए केवल उसे पढ़े नहीं, मगर सच्चे निष्ठा से उसका पालन भी करें।
आखिरी बात विशेष तौर से मेरा संदेश है युवाओं के लिए। आज हमारा युवा पीढ़ी जो है वो कहीं ना कहीं भटकता जा रहा है। आज हाल ही में मेरा विधानसभा क्योंकि चल रहा है, कई सारे किताबों को पढ़ना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है। उस दौरान में एक मुझे एक चीज़ पढ़ने को मिला, उसमें लिखा हुआ था कि एक स्टडी है, एक रिसर्च है, उसमें लिखता है कि 100 आदिवासी बच्चों में से केवल 30 बच्चे, 100 आदिवासी बच्चे जो किसी स्कूल में नामांकित करते हैं, अपने आप को नामांकित होते हैं, उसमें से केवल 30 बच्चे ही पढ़ के निकल पाते हैं। 100 में 30 बच्चे, क्या कारण है इसका? कहीं ना कहीं हम लोगों के घर पे वो शैक्षणिक माहौल नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं हमारे माता पिता उच्च शिक्षा का महत्व नहीं समझ पाते हैं। कहीं ना कहीं आज माता पिता और बच्चों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप आ गया है, और वो गैप का कारण है मोबाइल फोन। शायद आपको छोटी लगे ये बात, मगर ये सच है। आज आप जितना अपने बच्चों से बात नहीं करते होंगे, जितना समय अपने बच्चों के साथ नहीं देते होंगे, उतना समय आपका बच्चा फोन में दिखता है। और यही सब कारण है कि आज 100 में से केवल 30 आदिवासी बच्चे स्कूल से पास होके निकलते हैं। आज आपको बतलाना चाहूंगी कि अगर इस समाज को आने वाले कल में मजबूत करना है, तो हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस समाज से निकल के बड़े बड़े जगहों पे पहुंचना पड़ेगा, तभी इस समाज का उत्थान हो पाएगा। हम लोगों में से लोगों को डीसी बनना पड़ेगा, आईपीएस बनना पड़ेगा, वकील बनना पड़ेगा, जजेस बनना पड़ेगा, तभी इस समाज का उत्थान हो पाएगा। आज आप लोगों को बताना चाहूंगी कि हाईकोर्ट जजेस जो बन के आते हैं पूरे देश भर में, उसमें आपको हैरानी होगा ये जानकर के कि आदिवासी पूरे देश भर में कि आदिवासी में केवल 3 जजेस हैं। इस साल का आंकड़ा है ये, आदिवासी में केवल 3 जजेस हैं पूरे देश भर में। इतना बड़ा देश, इतने सारे राज्य, उसमें से केवल 3 आदिवासी। तो हम लोग कैसे न्याय दिलाएंगे अपने लोगों को? कैसे आवाज उठाएंगे अपने लोगों के लिए? इसीलिए जरूरी है कि संघर्ष करें, पढ़ाई को अपना हथियार बना के ऐसे ऐसे जगहों में पहुंचे जहां पे हम अपने लोगों का उत्थान कर पाए। और वही फादर कॉन्स्टेंट लेविंस ने किया। उनके पास शिक्षा था, वो आए, वो तलवार, लाठी, डंडा ये नहीं इस्तेमाल किए, वो अपना ज्ञान, अपने शिक्षा को इस्तेमाल किए, और बताइए इतने सारे लोगों को उन्होंने लाभ पहुंचाया कि आज इतने साल बीत जाने के बाद भी उनके बस एक नाम पे इतना सारा भीड़ जमा हुआ है। इसीलिए इससे सीख लेते हुए हमारे आदिवासी समाज के जितने भी बच्चे हैं वो भी आगे बढ़े, पढ़े लिखे, अपने समाज का उत्थान करें। और आखिरी में एक विधायक होने के नाते, इस राज्य के 81 जो विधायक है उनमें से एक होने के नाते, मैं ये आप लोगों को भरोसा विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जब तक इस पद में रहूँगी, अपने समाज के लिए पूरा निष्ठापूर्वक मुखरता से आवाज़ उठाते रहूँगी। धन्यवाद। ईश्वर ने भी कीमती रतन गिनती करके ही बनाए हैं। ईश्वर ने कीमती रतन गिनती करके ही बनाए हैं। उन रत्नों में सबसे कीमती आज हमारे बीच में आए हैं। मांडर क्षेत्र की विधायक श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की को उनके सुंदर संदेश के लिए सहृदय धन्यवाद करता हूं। सुंदर तालियों के साथ धन्यवाद करें। अब मैं मांडर क्षेत्र के पूर्व विधायक श्री बंधु तिर्की हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप हमारे बीच में आएं और अपने शब्दों द्वारा हमें प्रोत्साहित करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें।
सभी लोगों को जय जीशु ज्वार। इस सेवक फादर कॉन्स्टेंस लिबन्स छोटनागपुर के जो प्रेरित के रूप में जाने जाते हैं, उनके आगमन, उनके वर्षगांठ और आज का दिन उनके नाम पर समर्पित वार्षिक तीर्थ यात्रा के अवसर पर उपस्थित हम सभी लोगों के अभिभावक, हमारे संरक्षक, अति मान्यवर महाधर्माध्यक्ष फिलिक्स टोप्पो जी और हमारे सहायक धर्माध्यक्ष अति मान्यवर थियोडोर मैस्क्रेहंस जी, इस पल्ली के पुरोहित फादर हुबर्टस बेक जी, उपस्थित हमारे विभिन्न कांग्रीगेशन के सभी सम्मानित पुरोहितगण, हमारी धर्म बहने, विभिन्न पेरिस से आई हुई कैथोलिक सभा के सभापतिगण, महिला संघ के सभा नेत्रीगण, युवा संघ के नेतागण, अध्यक्षगण और विशेषकर हुलहुंडू पारिस के सभापति महोदय, महिला संघ के सभा नेत्री और युवा संघ के सभापति और विभिन्न जगहों से आए हुए हमारे सभी माताएं एवं बहनें, विभिन्न पेरिस से आए हुए हमारे नौजवान और साथ में हमारे सहयोगी, आप लोगों के बीच में लगातार आप लोगों के बीच में काम करते हैं छोटे भाई अमूल नीरज कालको जी, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित पुरोहितगण और सभी हमारे बच्चे एवं बच्चियाँ। चूँकि इसके पहले माननीय विधायक, जिसका नाम तो मैं नहीं लिया, मैं ले रहा हूँ उसका नाम भी, माननीय विधायक शिल्पी नेहा तिर्की जी पूरा विस्तार पूर्वक पूरी बातों को आप लोगों के बीच में रखा। मैं जब अपने बारी के बारे में सोच रहा था, ऐसे कल रात से ही सोच रहा था कि उस कार्यक्रम में शिल्पी को भी जाना है, मुझे भी जाना है, कौन सी बात को मैं कहूँ, कौन सी बात को वो कहेंगे, वो हम जो बात सोच रहे थे उस बात को तो बोल दी पूरा। चलिए अच्छी बात है, विधानसभा में भी बोलती है इन तमाम चीज़ों को, तो कहीं ना कहीं चूँकि बेटी है तो उसी डीएनए है तो उसी लाइन में चलने का प्रयास करती है। अच्छा लगता है, मैं जो बात को सोच रहा था उसी बात को उन्होंने आप लोगों के बीच रखा। मैं एक विशेष बात आज यहाँ पर उपस्थित तमाम कलिसिया, जिसके बारे में विधायक जी ने इस बात को भी कही कि हमारे जो महाधर्माध्यक्ष, चाहे सहायक धर्माध्यक्ष हो, हमारे पुरोहित गण है, हमारे धर्म बहने लोग हैं, लगातार एक त्याग, जिसको कहा जाए कि इस हमारे प्रदेश के लिए मोमबत्ती की तरह लगातार जलने का काम करते हैं, पिघलने का काम करते हैं और उसी का परिणाम है कि आज हम आप जो स्थिति में अपने आप को दिखाई देते हैं। और चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, इस प्रदेश को संवारने, इस प्रदेश को गढ़ने का काम हमारे महाधर्माध्यक्ष, इसके पहले जो भी रहे हैं, वर्तमान में जो हैं और हमारे यहाँ के जो पुरोहित और हमारे जो धर्म बहनों की भूमिका है,
ये कभी इसको भूला नहीं जाता है। हमें भी इस असेंबली में रहने का अवसर मिला, समय समय पर आपकी जो कलीसिया की उपलब्धि है ये बातें भी सदन में गूंज पड़ती है। तो हम इस बात को कहना चाहेंगे कि आज आपकी जिम्मेवारी बढ़ी है। इसके पहले जब मैं आया था यहाँ पर इसी मंच पर, तो महाधर्माध्यक्ष फिलिक्स टोप्पो जी का मुझे बात आज भी याद है कि कलीसिया के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और उस चुनौती को हमको स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि वर्तमान परिवेश में हमें आध्यात्मिक रूप से जिस तरह यहाँ पर हम फादर लिवहंस के का उसको यादगार में उनका स्मरण में हम एक आध्यात्मिक रूप से यहाँ पर पवित्र मिशा किए, यहाँ पर प्रार्थना किए। हम एक तरफ से कहा जाए कि अपने आप को आध्यात्मिक तरीके से हम आस्था और अपना विश्वास को बनाए रखने का हम काम किए, लेकिन इसके साथ साथ हम प्रार्थना के साथ साथ हमारी सामाजिक, हमारी धार्मिक उस चेतना के बारे में भी हमें चिंतन करना चाहिए। और इसके लिए हमारे जो विशेषकर कैथोलिक सभापति हो, सभा के टीम हो, महिला सभा के जो महिला की सभा नेत्री हो, आपकी जिम्मेवारी आज के दिन में बढ़ी है। आपको नेतृत्व लेना होगा, आपको लीडरशिप लेना होगा, धार्मिक मामले में हो, धार्मिक व्यवस्था के मामले में। जो हमारे महाधर्माध्यक्ष का जो वहाँ से संदेश होता है, उस संदेश के साथ साथ हमें अपने समाज को मजबूत करने के लिए, समाज को संगठित करने के लिए लीडरशिप, ये कौन लेगा लीडरशिप? हमारे कैथोलिक सभा के तमाम टीम, महिला संघ के नेत्री का सभी टीम, युवा संघ के सभी टीम। आज का दिन में कुछ बहुत सारा डिटोरिएट कर गया। पहले मारिया मार्ग हो हुआ करता था और कई एक तरह का अनुसंगी इकाइयां हुआ करता था आपका, उस सब इकाइयां मजबूत हुआ करती थी। आज आप खुद सोचते होंगे कि बहुत सारी जो हमारा इकाइयां हैं, अनुसंगी इकाइयां रही, ये तमाम इकाई एक तरफ से कहा जाए कि डिफंक्ट होके पड़ा हुआ है। इसीलिए ऐसे परिस्थिति में हमारी जो महिलाएं हैं, नेत्रीगण हैं, सभापति हैं, युवक लोग हैं, इनके जिम्मेवारी आपको हमारा धार्मिकता के साथ साथ समाज से संबंधित विशेषकर राजनीतिक चीजों को भी आपको समझने की जरूरत है। सरकार के द्वारा जो नीतियां बनाई जा रही है, चाहे नीतियां प्रकाश में आती है अखबार के माध्यम से, इन चीजों को आपको विश्लेषण करने का भी क्षमता आपको रखना होगा। हम इन चीजों को बिल्कुल हम ध्यान नहीं देते हैं। आपको मैं कहना चाहूंगा कि मैं एक आपके सदस्य होने के नाते जो भी तरह की बात सरकार का पॉलिसी नीतिगत फैसला लिया जाता है, भले व्यक्तिगत आपसे रोज नहीं मिल पाते हैं, लेकिन एक एक चीज आपका संज्ञान में आता है और एक एक चीज को हम लोग विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। कई एक चीजें परेशानी आज के दिन में आप देखते होंगे कि हमारा कलीसिया के अंदर में ही कई एक चुनौतियां हैं, कई एक हमारे साथ चैलेंज है, कई एक लोग हमारे आस्था हमारे विश्वास पर चैलेंज करते हैं, चुनौती देते हैं। और ऐसे चुनौती के लिए हमारे कलीसिया के लोग, विशेषकर जो इकाइयां हैं, हमने कहा कैथोलिक सभा, महिला नेत्री, युवा, इनको इसको मजबूती के साथ इन चीजों को समझने की जरूरत है। आज हम इसके अलावे भी राजनीतिक परिस्थिति में राजनीतिक क्रियाकलाप को भी आपको समझना है। कई एक हमले होते हैं, हमारा संवैधानिक अधिकार पर हमला होता है, हमारा संवैधानिक अधिकार पर कटौती करने का प्रयास किया जाता है, लोग हमें
मीडिया के माध्यम से डिमोरलाइज करने का प्रयास किया जाता है। ऐसे चीजों को हमें अपने सोचने की जरूरत है, हम ऐसे चीजों पर चिंतन करने की जरूरत है। इसको कौन, इसको महाधर्माध्यक्ष या तो हमारे सहायक महाधर्माध्यक्ष, ये इस पर आपका किसी तरह का इसमें टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप कैथोलिक सभा के लोग हो, महिला संघ के नेत्री हो, युवा संघ के लोग हैं, ऐसे चीजों को आपका जो सहभागिता हमारे महाधर्माध्यक्ष के पास जाना चाहिए, संवाद होना चाहिए। संवाद का कमी अगर संवाद चुकी आप महाधर्माध्यक्ष का, हम आप उनका आंख है कान है, हम देख रहे हैं सुन रहे हैं, जो चीजों को आप सुन रहे हैं उसको हमारे अपने पुरोहित के माध्यम से चाहे हमारे महाधर्माध्यक्ष तक इन बातों को कैसे पहुंचाए और इस पर क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, क्या रणनीति होना चाहिए, इस बात को लेकर के कैथोलिक सभा महिला नेत्री युवा लोगों पर ये ज्यादा जिम्मेवारी है, इस बात को समझना है। आज की इस विषम परिस्थिति में आपको चीजों को, हम सिर्फ एक जगह ही केवल एक तरफ से अपने आप को हम समेट के रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस प्रदेश में अपना हक लेने के लिए भी, अपना अधिकार को लेने के लिए भी आपको सही तरीके से आपको एक तरफ से कहा जाए कि संगठित होते हुए चीजों पर समय समय पर चर्चा विवेचना विश्लेषण संवाद होने का जरूरत है। हाल के दिनों में पहले हमें याद है कि आज से दो साल एक से एक हमारे पास काफ़ी मजबूत और काफ़ी जानकार पुरोहित भी लोग थे, बहुत ऐसे पुरोहित आज हमारे बीच में नहीं है, इस दुनिया से चल गए। स्टेन स्वामी की बात कहें या तो और भी कई एक ऐसे जो लोग थे जो समय समय पर वर्कशॉप काठशाला वगैरह करके आप हमको कुछ चीज़ों को, राजनीतिक चीज़ों को या तो हमारे हक अधिकार को, हमारे संवैधानिक पहलुओं को बताने का काम करता था, वो हमें एक रास्ता दिया। ऐसे परिस्थिति में आपका और हमारा एक जिम्मेवारी है, एक एक लोगों को हमारे बीच में पढ़े लिखे बच्चों को ना केवल MLA MP नहीं लेकिन अपना सोच को डेवलप करना चाहिए। और जिस तरह शिल्पी नेहा तिर्की विधायक जो बात को कहा, ये सोच आपके बीच में लाने की जरूरत है, समाज के बीच में हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छे अच्छे पद में पहुंचाना होगा, आगे बढ़ना होगा। इसके लिए हम सारे लोगों को अपने तरीके से, अपने पारिवारिक रूप से या समाज के बीच में हमको इसको समझने की जरूरत है ताकि हमारा समाज मजबूती से खड़ा हो सके और हमारे जो धर्म अगुआ है, धर्माध्यक्ष है, उनको हम पूरा का पूरा मजबूती हम दे सके, इस बात को समझना है, इस बात को समझना है। वर्तमान परिवेश में आपको कुछ चीजों को ध्यान देना होगा, कई एक छींटा कसी बातों से आपको बचना होगा। हम टिप्पणी करते हैं, हम आलोचना करें जरूर, आप अगल बगल का जिस तरह से विधायक जी ने कहा कि पड़ोसी के प्रेम के बारे में आप आलोचना करें, लेकिन हेल्दी आलोचना होना चाहिए, हेल्दी क्रिटिसाइज होना चाहिए, उससे कुछ मीनिंग निकलना चाहिए। इसीलिए मैं इस बात को आपको कह रहा हूं कि आज हमारी जिम्मेवारी, आपकी जिम्मेवारी बढ़ी है, जितना संख्या में यहाँ पर है आए हैं, आज जो आप आध्यात्मिक रूप से यहाँ पर पवित्र मिशा किए, जिस वचन को आपको दिया गया बताया गया, यहाँ पर कई एक फादर विंसेंट से लेकर के विधायक से लेकर के जो भी बातें हैं जिनके द्वारा कहा जाएगा, उन बातों को लेकर के आपको जा करके चिंतन मंथन करने की जरूरत है। और आज के समय में हमारी जो जिम्मेवारी बढ़ी है उस जिम्मेवारी को ईमानदारी पूर्वक आगे बढ़ें, क्योंकि आने वाला दिन आपके लिए सामने में कई एक खतरा मंडरा रहा है। हम इसलिए इस बात को कह रहे हैं कि आपको आगाह कर देना चाहते हैं, मैं इसके लिए नहीं कह रहा हूँ कि आप इसलिए आप डरे, इसके लिए आप घबराएं, इसके लिए नहीं, लेकिन आप कुछ खतरा है, कुछ खतराएं हैं, उसके लिए आपको तैयार रहना है, अपने आप को संगठित होकर के चीजों को समझते हुए आप आने वाले दिन में इस संघर्ष को आपको चुनौती पूर्वक लेने के लिए तैयार रहना है। इसी बात को मैं विशेष रूप से कहूंगा और आखिरी में एक बात कह के मैं समाप्त करूंगा।
हमें रोड सेफ्टी को भी ध्यान देना है। ये विषय से हटकर है लेकिन हम लगातार रोज देखते हैं, थाना से रिपोर्ट हम लोग लाते हैं, मंगाते हैं, औसतन महीना में 15 लोगों का एक्सीडेंट होता है, रोड एक्सीडेंट 15 लोगों का होता है महीना में, 15-16, और अधिकांश लोग हमारे लोग होते हैं, पूरा बाइक एक्सीडेंट, गाड़ी एक्सीडेंट। मैं उन लोगों को भी कहूँगा कि सड़क सुरक्षा नियम को आप पालन करें, नौजवान लोग हेलमेट पहन करके मोटरसाइकिल चलाए, धीरे चलाए, सड़क में कलाकारी ना करें। जीवन बहुत अनमोल है, बहुमूल्य है, आप जीवन एक मिनट में समाप्त हो जाएगा, इसलिए युवाओं को हम कहेंगे कि इससे आप कैसे बचे, दूसरों को कैसे बचाए, ये मेरा विशेष रूप से आप लोग से आग्रह होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए इस उम्मीद के साथ कि आने वाले दिन में हम बेहतर तरीके से और मजबूती के साथ संगठित होकर के फादर्स लिबन्स के जो बताए हुए मार्ग में, महाधर्माध्यक्ष के बताए हुए मार्ग में हमें आगे बढ़ते हुए अपनी कलिसिया को मजबूत करना है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को मैं समाप्त करता हूँ। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जीसु जोहार। मांडर क्षेत्र के पूर्व विधायक श्री बंधु तिर्की ने मांडर क्षेत्र के पूर्व विधायक श्री बंधु तिर्की ने अपने मन में उठ रहे विचारों एवं भावनाओं को हमारे बीच में रखे हैं। मैं आपको कोटि सा धन्यवाद करती हूं। कृपया जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद करें। आज हमारे बीच में श्रद्धे फादर वोरल ब्रिज येसु समाजी उपस्थित हैं, जो कि इस सेवक फादर कांस्टेंट लिवंस की धन्य घोषणा की प्रक्रिया पर कार्यरत हैं। इसकी क्या प्रक्रिया है और यह कहां तक पहुंची है, यह बतलाने के लिए मैं श्रद्धेय फादर वोरल ब्रिज को आमंत्रित करती हूं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। यहां उपस्थित ध्यान दीजिएगा, जो भी स्टॉल में लोग इधर उधर घूम रहे हैं, स्टॉल वाले अपने स्टॉल में पहुँच जाएंगे। साथ ही यहाँ उपस्थित जितने माता पिता भाई बहन हैं सभी कोई खाना खा के जाएंगे। प्यारे भाई और बहनों, फादर ह्यूबर्टस मिशन के अंत में बताया कि फादर लिविंस की धन्य घोषणा का रास्ता काफी लंबा है और कुछ सालों तक रहेगा, पर आशा तो करते हैं, प्रार्थना बहुत करते हैं। उसके बारे में एक दो शब्द बताना चाहता हूँ कि क्या क्या कदम हो चुके, क्या कदम बाकी है। पहला कदम विशेष करके बेल्जियम में रुसलार, जहाँ फादर लिविंस पर हैं, उसी को बहुत साल, काफ़ी 3-4 साल सब कुछ जमा किए हैं और रोम में दे दिया, और उसी के चलते फादर लिविंस ईश सेवक बन गए। उसी के बाद रोम ही में विशेष करके फादर लिनस, जो दुख की बात देहांत हो गए, और उसके बाद फादर प्रेम खाऊ को मंदिर का उसी काम लेकर के वहाँ पर प्रोफेसर है, तो भी बहुत काम किए हैं, और वही काम उसी कदम के लिए खत्म हो रहा है। उसके बोलते हैं पोजिशियो, पोजिशियो मतलब हालत, क्या हालत हो रहा है, और वही 4 अप्रैल में जो उसी के लिए काम कर रहे हैं उसको देंगे, और आशा है कि आदरणीय बन जाएंगे, वेनरेबल। ही वॉज सर्वेंट ऑफ गॉड, नाउ वेनरेबल, ये सेवक अभी वेनरेबल
बन जाएंगे। और उसी को देख करके रोम में बताया जाएगा कि सचमुच फादर लीवन से के द्वारा प्रार्थना कीजिए क्योंकि वेनरेबल हो गया। उसी को दूसरा कदम होने वाले हैं और अच्छा है, आधा रास्ता हो चुका है और बाकी है उसको धन्य होने का, धन्य घोषणित होने का। उसी के लिए फिर सबसे पहले प्रार्थना करना है और उसी के साथ जो कुछ आश्चर्य काम हो रहा है उसी के मध्यस्थता के द्वारा उसको बता दीजिए, आपके बड़े पुरोहित को बता दीजिए, क्या मुझको बता दीजिए, क्योंकि उसी को जमा कर रहे हैं। इसलिए तीसरा कदम आशा है कि उतना ज़्यादा कुछ सालों तक रहेगा पर काफ़ी जल्दी जाएगा, तब फादर लीवन्स धन्य होंगे, उसी के बाद संत होंगे। वही चार कदम हो रहा है, सबसे पहले इस सेवक जो हो गया आदरणीय 4 अप्रैल में हो जाएगा, धन्य और संत। फादर प्रेम खाऊ को जो अभी रोम में जो प्रोफेसर है उसी पर बहुत काम कर रहे हैं और यहाँ पर भी जमा कर रहे हैं जो कुछ जमा करना है, पर मुश्किल है। रोम में काम धीरे होता है पर अच्छा हो रहा है और सब कुछ जो डिटेल हो रहा है सब कुछ उसी को जमा कर रहे हैं। इसलिए फादर लीवन्स का धन्य घोषित होने का उतना नज़दीक नहीं है पर रास्ता दिखाई देता है। इसलिए विशेष बात आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि प्रार्थना करते रहिए, बिना प्रार्थना नहीं चलेगा और बिना प्रार्थना कोई मतलब भी नहीं होगा। इसलिए सब एक साथ जैसे आज इतना अच्छी तरह प्रार्थना किए हैं रोज प्रार्थना कीजिए, उसी प्रार्थना कीजिएगा और दिल में ईश्वर से निवेदन कीजिए कि हम लोगों का चौथनाखपुर का 3 नमूना सामने है, फादर लीवन्स, फादर राजकार्थ और मदर बर्नाडेट। मेरा स्वप्न है कि मैं, 2 स्वप्न है, एक तो है कि फादर लीवन्स, फादर राजकार्थ और मदर बर्नाडेट एक साथ उनका यहीं पर मनाएंगे, धन्य होंगे। और दूसरा स्वप्न है कि मैं अभी तक जिंदा रहेगा। इसलिए आग जलते रहें अपने प्रार्थना के द्वारा। बहुत धन्यवाद। मैं श्रद्धे फादर वोरल ब्रिज येसु समाजी को धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से अपने विचारों को हमारे बीच में रखे हैं। पुनः आपको धन्यवाद, कृपया धन्यवाद स्वरूप एक तालियां बजाएं। अब मैं हमारे बीच में उर्सुलाइन धर्म समाज की प्रोविंसियल सिस्टर ईवा को आमंत्रित करती हूँ अपने संदेश के साथ। Respected Archbishop Felix Stopper, Respected Bishop Theodore Mascarenhas, Sri Bandhu Tirki Ji, Shilpa, meri didi aur bahan, aur sabhi ganmanya purohit gan, dharm bandhu gan, dharm bahane, sabhi mata pitaye, mujhe main yahan aane ke liye 2 minute ka ki anumati maine mangi aur mujhe mil gaya. Main yahan khadi hu sakshya dene ke liye. आप सभी को यहाँ उपस्थित हुए तो एकदम श्योर एंड सर्टन है कि आप
फादर कॉन्स्टेंस लिवन को प्यार करते हैं, जरूर उनके प्रति मेरा प्यार कुछ वर्षों पहले मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ है। मैं उर्सुलाइन बीएड कॉलेज लोहरदगा में जब थी तो वहाँ पर एक कोने में एक क्रॉस था, क्रॉस बना हुआ था, और उस क्रॉस से मेरे धर्म बहनों के माध्यम से मुझे पता चला कि वो क्रॉस क्यों बना हुआ है, क्योंकि वहाँ फादर कॉन्स्टेंस लीवन अपना घोड़ा जिनका नाम जनरल वो वहाँ बांधा करते थे। उस स्थान पर जब वे वहाँ से गुजरते थे अपने मिशन कार्य के लिए तो अपना घोड़ा को वहीं पर बांधा करते थे और थोड़ा सा रेस्ट लेकर आगे बढ़ जाते थे। तो बार बार उस क्रॉस को देखते हुए, क्योंकि हम अपने कॉन्वेंट से जब बीएड कॉलेज जाते थे तो रास्ते में पड़ता था, तो उस क्रॉस को छूकर मैं प्रार्थना करती थी कि यहाँ पर एक छोटा गिरजा बन जाए, एक गिरजाघर, क्योंकि बहुत छोटा गिरजाघर था, बहुत पुराना हो गया था और टूट रहा था। तो वहाँ केवल 50-60 केवल बैठ सकते थे छोटा सा गिरजाघर में। तो उस क्रॉस को छूकर मैं फादर कॉन्स्टेंट लीवन के माध्यम से प्रार्थना की कि यहाँ पर एक गिरजाघर बन जाए, और ये मेरी प्रार्थना सुनी गई। और कुछ ही वर्षों में, हम सोचते हैं 3 या 4 वर्षों में कहाँ से पैसा आ गया, क्या हुआ, और बहुत अच्छा गिरजाघर अभी उसमें हम लोग 300 से ज़्यादा 300 या 400 बहनें वहाँ बैठकर प्रार्थना कर सकती हैं। बीएड और टीटीसी की प्रशिक्षण के लिए जो भी वहाँ आती हैं वहाँ बैठ के वहाँ हर एक दिन प्रतिदिन मिसा चढ़ाया जा सकता है। और इस तरह से प्रार्थना पूरी हुई और मैंने ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। ये सचमुच बहुत ही ये अनजाने में हुआ, और आज मैं जब यहाँ उपस्थित हूँ, यहाँ आने का मुझे पहली बार मौका मिला, तो मुझको ये लगा कि मैं ये साक्ष्य आपके सामने में प्रस्तुत करूँ। प्रार्थना के माध्यम से जरूर कभी दृश्य रूप से कभी अदृश्य रूप से बहुत सारी प्रार्थनाएं हमारी सुनी जाती है, और हमको पूरा विश्वास है कि फादर कॉन्स्टेंस लीवंस के माध्यम से हम यदि प्रार्थना करेंगे तो हमारी प्रार्थनाएं जरूर सुनी जाएंगी। और आप सबों को पुनः ये भी बताना चाहती हूं कि जब मैं यहां बैठकर सुन रही थी श्री बंधु तिर्की जी को, हम आपको बहुत इस पॉइंट पर आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। जब हम कहते हैं ज्योति जलती रहे, तो ज्योति कब जलती रहेगी, जब हम वो मसाल या जो भी हो एक दूसरे के पार करते जाएंगे। आपने अपनी बेटी को तैयार करके नेता बनाकर बहुत ही ये एक प्रमाण दिया है कि आप ज्योति जलती रहने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो बहुत बहुत बधाई, जोरदार तालियां। और इसी तरह जब शिल्पी ने भी कहा कि हर एक जन का, हम प्रत्येक जन का कर्तव्य कि हम किसी न किसी को तैयार करें, तो जब हमको एक लॉयर चाहिए तो एक लॉयर दूसरे लॉयर को तैयार करे, एक जज दूसरे जज को तैयार करे, एक धर्म बहन दूसरे धर्म बहन को तैयार करे। इस तरह प्रत्येक जन यहाँ उपस्थित आज ये निश्चित कर ले कि हम किसी न किसी को तैयार करेंगे, तो हमारा ये हमारी कलिसिया कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएगी, ये मेरी प्रार्थना भी है। फादर कॉन्स्टेंस लीवन के माध्यम से आपके सामने खड़े होकर ये प्रार्थना करती हूँ कि ये स्वप्न आगे बढ़ता जाए और हमारी मनोकामनाएं पूरी होती रहे। मैं चाहती हूं कि आप सब कोई मेरे साथ मिलकर ये नारा लगाएं। मैं कहूंगी प्रभु की ज्योति, आप कहें जलती रहे। प्रभु की ज्योति, प्रभु की ज्योति, प्रभु की ज्योति, फादर कॉन्स्टेंस लीवंस की, फादर कॉन्स्टेंस लीवंस की, फादर कॉन्स्टेंस लीवंस की। धन्यवाद। मैं उर्सुलाइन धर्म समाज की प्रोविंशियल सिस्टर ईवा को उनके सुंदर संदेश के लिए धन्यवाद करती हूँ। कृपया जोरदार तालियों के साथ उनका धन्यवाद करें। हमारे बीच में उपस्थित रांची धर्म प्रांत के सहायक धर्माध्यक्ष अति मान्यवर थियोडोर मस्क्रेनस SFX
आप सदा हसमुख अगुवाई करता एवं मिलनसार स्वभाव हम सबको सदा प्रभावित करता है। अपने संदेश और इस सेवक फादर कॉन्स्टेंट लीवंस की धर्म घोषणा संबंधी विचारों को लेकर मंच पर आमंत्रित करता हूँ। सबों को जय यीशु, यीशु मरान, जोहार। अति मान्यवर राज बिशप बंधु जी, शिल्पा जी, सिस्टर विभा प्रोविंशियल, हमारा अमूल्य है, अमूल्य सही अमूल्य है, और सिस्टरगण, फादरगण, भाई और बहनों, बच्चे बच्चियों, मेरी बारी आ गई है और आप लोगों को भूख लगी है, थके हुए भी हैं, फिर भी बोलते रहूंगा। जम गए आना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ थोड़ा सा ऊपर है और बहुत शांति होती है, लेकिन और एक कारण है, यहाँ का लोग इतने उत्साहिक है कि कभी कभी मुझे लगता है कि कॉन्स्टेंट लीवंस यहाँ आग लगा के थोड़ा सा छोड़ के गया, वो जलते रहता है जलते रहता है। इसलिए मैं जमगई के लोगों को विशेष करके धन्यवाद कहना चाहता हूँ। 8 साल पहले हम यहाँ आज बिशप हाउस से ये प्रोग्राम शुरू कर दिया था। बहुत कम लोग थे पहले साल, जो याद करेंगे करेंगे, काना देना मुश्किल नहीं होता था, लेकिन अब इतना अच्छा लगता है इतनी संख्या देख के, मतलब आग बढ़ती रहा है बढ़ती रहा है। और हमें चाहिए कि यहाँ जो एक तरह एक अभियान शुरू हुआ है इस कॉन्स्टेंट लीवंस की आग का, वो आगे बढ़ते रहे। आप लोग एक गिरजाघर देखते हैं, हमारा सपना था और सपना है कि एक गिरजाघर हम सबों का हो जाए, और इसलिए हम सोचे इसको हम न ही आज बिशप हाउस से, बहुत कुछ आज बिशप हाउस से हुआ है, लेकिन हर एक कॉन्ग्रिगेशन से और हर एक पल्ली से कुछ यहाँ दान आए कि इस घर बांधने में हर एक सोचता है मेरा भी एक ईंट है, मेरा भी कोई सीमेंट है, मेरा भी कुछ बालू है। और मैं आज विशेष करके हमारे ये जो कॉन्ग्रीगेशंस है उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमारे येसुइट सोसाइटी, जेसुइट सोसाइटी, येसु समाज, इसमें सबसे आगे हैं आज बिशप हाउस के बाद योगदान करने के लिए, उर्सलाइन, संतान्ना, TOR, सबों ने छोटे छोटे कॉन्ग्रीगेशन में भी दिया है। लेकिन हम सभी पल्लियों को चिट्ठी लिखे थे, अभी भी हुलुंडू के इंतजार में है कि हुलुंडू से कुछ आएगा, लगता है थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाते तो ज़्यादा लेके आएंगे, लेकिन इंतज़ार में है। सबसे पहली पल्ली हमें अपना दान देने को सबसे दूर वाली है और सबसे गरीब है, मूरी से पहली पल्ली है जिससे दान आया है। हमें चाहिए कि ये भी आग बढ़ते रहे, क्योंकि अभी भी थोड़ा सा कमी है, और हमारा ये सोच है कि अगले साल हम इस गिरजा के साथ, बड़ी सुंदर बड़ी गिरजा के साथ, 600 लोग बैठ सकते हैं इसमें, वैसे बनाए हैं,
आप लोगों के साथ यहाँ मिस्सा बलिदान चढ़ा सके। दूसरी बात, आग की ही बात करते जाऊंगा आज। कॉन्स्टेंट लीवंस ने हमें विश्वास की आग छोड़ी है, लेकिन ये आग आगे बढ़ाने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता है। एक तो माँ बाप ने यही विश्वास, यही आग, यही मशाल अपने बच्चों के हाथों में देना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। कहीं ये जो हमारी चेन है वो टूट गई तो विश्वास टूट गया। इसलिए घर में प्रार्थना करना, बच्चों को अपना कैटेगिज्म सिखाना, प्रभु यीशु के बारे बातें करना। माँ हमें याद है, आज बिशप को भी याद है, मुझे भी याद है, हम छोटे बच्चे होते थे तो हम रसोई घर में भी जाते तो माँ बाप कुछ यीशु के बारे में बोलती थी। आजकल सब कुछ के बारे में बोलते हैं लेकिन प्रभु यीशु को भूल जाते हैं। बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के दिलों में ये हम लगाते रहे। इसी के साथ बुलाहट, हमें अच्छे फादरों की, अच्छे सिस्टरों की ज़रूरत है। शिल्पी जी बोली है डीसी बनना है, जज बनना है, डॉक्टर बनना है, फादर बनना है, सिस्टर बनना है, भूल गई। लेकिन हमें उनकी भी ज़रूरत है। और आप लोगों में से कोई कोई बिशप भी बनेगा, और कौन जानता है एक दिन सिस्टर बिशप बनने लगेंगे तो लड़कियां भी बिशप बनेंगे। तो हमारी यही आशा है, जो बच्चे हमारे अपोस्टलिक बच्चों को हम लाते हैं, ब्राह्मे के बच्चों को लाते हैं, जेजुइट लोगों ने अपने सेमिनेरियंस को भी लाए हैं, बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के दिलों में ये जो बुलाहट की बीज लगाना और उसको बड़ा करना, तभी हम ये अच्छे पुरोहित मिलेंगे, तभी हम ये अच्छे सिस्टर मिलेंगे। और तीसरी बात, ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहता हूँ, जानता हूँ भूख लगी है आप लोगों को, धन्यवाद देता हूँ सबों को जो यहाँ इस गिरजा के, मुझे हमारा कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा था इतना अच्छा जगह है, मुझे इस पे पानी लगाने की भी चिंता नहीं करना पड़ता है, लोग आते हैं खुद अपने आप लगाते हैं, मैंने सिर्फ चेक करना होता है। तो जमगई के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और दूसरे लोग जो हमें मदद देते रहेंगे उनको पहले ही धन्यवाद बोलता हूँ। विशेष करके मैं शिल्पी जी को और बंधु जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। कभी भी मैं ये बोलते रहता हूँ, रात के 2 बजे भी उनको फ़ोन कर दिया, कुछ अर्जेंट आ गया, कुछ ज़रूरत पड़ गई हमारे लोगों को कलिसिया के लिए, वो तैयार है। और अभी जब आप लोग जानते हैं होल्डिंग टैक्स बहुत बढ़ाया गया था, 100%, 500%, 1000% तक, 10 गुना, तब शिल्पी जी और बंधु जी आए असेंबली में गए और वो बहुत कम करके हमें वापस लाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी बच्चे बच्चियों, इतने अच्छे तरह से सावधानी से मिस्सा में भाग लिया, वैसे ही अपना धर्म आगे बढ़ाते रहना। आप सबों को प्रभु का आशीर्वाद, सबों को जय यीशु, यीशु मारान जोहार। मान्यवर धर्माध्यक्ष थियोडोर मस्क्रेनस SFX रांची के सहायक धर्माध्यक्ष को उनके सुंदर संदेश के लिए दिल की गहराई से सहृदय धन्यवाद करता हूँ। जोरदार तालियों के साथ हमारे सहायक धर्माध्यक्ष का स्वागत करें। अब मैं हमारे बीच में उपस्थित
अति माननीय महाधर्माध्यक्ष फिलिक्स टोप्पो येसु समाजी को अपने संदेश के साथ आमंत्रित करती हूँ। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। जैसा कि बिशप मस्करनस ने कहा, भूख लगी है, मेरे पेट में भी चूहे दौड़ रहे हैं और मैं समझ सकता हूँ कि बच्चों के पेट में तो बहुत सारे चूहे एक साथ दौड़ रहे होंगे। खैर, अति माननीय बिशप थियोडोर मस्करनस, श्री बंधु जी, श्री शिल्पा नेहा और उपस्थित सभी फादरगण, सिस्टरगण, सभी मेरे प्रिय भाइयों बहनों और बच्चों, मैं बहुत सारी बातों को सोचते सोचते रहा और हमारे पहले जिन्होंने वक्तव्य दिया उन्होंने सब बात को कह दिया और उपदेश भी मैंने बहुत कुछ कहा, इसलिए लंबा नहीं कहूँगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमने अंधकार से निकलकर प्रकाश को पाया है और हम ज्योति बन गए हैं, तो इसको हमको गहराई से समझना पड़ेगा कि ज्योति बन गए हैं इसका अर्थ है कि हम मसीह के समान बन गए हैं और हमें ईश्वरत्व एक तरह से आ गया है, तो उसको हमको बनाए रखना है। और जैसा कि हम बार बार सुन रहे हैं कि ज्योति को फैलाना है, जब तक हमारे अंदर ज्योति नहीं, विश्वास नहीं रहेगा तो हम नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले है हमें विश्वास की ज़रूरत है और विश्वास कैसे आएगा, जैसे कि हम लोग जरूर धर्म शिक्षा पाते हैं, माँ बाप का विशेष कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा दें, विनती प्रार्थना करना सिखाएं, भक्ति भक्ति देना सिखाएं। पारिवारिक प्रार्थना अगर होती है तो उसमें बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। मुझे आज बहुत अच्छा लगा यहाँ पर जब हम लोग एक साथ बैठ के मिस्सा कर रहे थे, बहुत ही शांत भाव से आप सब ने इसमें भाग लिया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इससे दिखाता है कि हमारे अंदर जो भक्ति है, जो विश्वास है, प्रभु के प्रति जो महिमा करने की प्रवृत्ति है, ये बहुत गहरी है और इसी गहराई को आपको बच्चों को घर में भी देना है, घर में भी देना है, केवल वचन से नहीं लेकिन अपने जीवन से, अपने उदाहरण से देना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। और बहुत सारी चीज़ों को हमारे प्रवक्ताओं ने कहा, लेकिन मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि अमेरिका में एक अध्ययन किया गया और उन्होंने कहा कि इंडिया वॉज फ्री बट नाउ पार्टली फ्री, इंडिया वॉज इंडिपेंडेंट बट नाउ पार्टली इंडिपेंडेंट, अर्थात भारत स्वतंत्र था, अभी आंशिक रूप से स्वतंत्र है। इसका क्या अर्थ है, इसको आपको गहराई से सोचना पड़ेगा और इसी बात को हमारे बंधु जी और नेहा जी ने हमको एक तरह से सोचने के लिए विवश किया है, सोचने के लिए विवश किया है। और जो प्रभुत्व लोग हैं आप लोग में से, जो कैथलिक सभा के लोग हैं, जो महिला मंडल के जो नेतृत्व हैं, इनको गहराई से इस पर विचार करना पड़ेगा कि वास्तव में हमारी स्थिति क्या है, हमारी सामाजिक स्थिति, हमारी राजनीतिक स्थिति क्या है, और इस पर विचार करके तब आप कदम उठाइए, कदम उठाना पड़ेगा आपको। मैं किसी भी मंच से हम लोग खुले खुले नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये आपका कर्तव्य है, बंधु जी कह रहे थे आपका कर्तव्य है, इसको आपको समझना पड़ेगा। लेकिन मैं इसको दोहराता हूँ, क्यों अध्ययन करके उन्होंने कहा कि इंडिया इज़ पार्टली फ्री, इंडिया इज़ पार्टली इंडिपेंडेंट, इसका क्या मतलब है, इसको आप जानें। अगर आप हमारे संविधान के प्रियाम्बल को पढ़िएगा तो आपको बहुत कुछ समझ में, प्रियाम्बल को पढ़ने से उस पर थोड़ा सा विचार करके गहराई से जाइए और फिर
हमारे देश की जो वस्तु स्थिति उस पर विचार करने से आपको पता चलेगा कि क्यों अमेरिका ने ऐसा, अमेरिका के अध्ययन ने ऐसा कहा है। तो ये जो हमारे समाज के जो जो नेतागण हैं, बुजुर्ग हैं, सभापति या सभा के जो सदस्य हैं, सभा नेत्री, इनको इन पर गहराई से विचार करके तब आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ चुनौती जो आ रही है उसके लिए हमें अपने विश्वास को मजबूत करने से, मैंने बार बार कहा है, और मैं जैसे 25 वर्ष के बिशप होने के अनुभव से मैं आपको कहता हूँ कि विश्वास की बहुत ज़रूरत है, हमारी धार्मिकता की ज़रूरत है, भक्ति की ज़रूरत है। अधिक ना कहते हुए मैं पुनः जैसे फादर मस्कारस ने कहा कि मैं जमगाई के लोगों को धन्यवाद देता हूँ। मैं सुनते रहा हूँ कि कितनी निष्ठापूर्वक, कितना त्याग और तपस्या करके तन मन धन से उन्होंने आज के समारोह के लिए तैयार किया है। मैंने सुना और मैं उन्हें बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। और मैं अपनी ओर से अपील करता हूँ आप सब से, जरूर धन्यवाद देता हूँ। बिशप मस्कारेनस ने सबसे पहले बहुत इसकी एक तरह से इसकी सोच को उसने हमारे अंदर डाली कि यहाँ एक श्राइन बनना चाहिए। कुछ लोग कहते थे एक छोटा सा चैपल बना के नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं, एक अच्छा अच्छी श्राइन बननी चाहिए जिससे कि सारे छोटा नागपुर और बेहद छोटा नागपुर के लोग ये जाने कि यहाँ पर प्रकाश का उदय हुआ। और इसीलिए उन्होंने बहुत प्रयत्न किया है और इसके लिए मैं आपको पब्लिक में ही कहना चाहता हूँ कि वे इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और इसके साथ साथ ताली बजा सकते हैं। इसके साथ साथ जिन्होंने भी कंट्रीब्यूशन किया है उन्हें भी बहुत धन्यवाद। बिशप मस्कारेनस ने इसकी चर्चा की और मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि आप भी दिल खोलकर इसको समाप्त करने के लिए ज़रूर कंट्रीब्यूशन दीजिए। इतना कहते हुए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, कि ईश्वर का आशीर्वाद आपके प्रत्येक परिवार पर बना रहे, कि आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य पर बना रहे, कि ईश्वर आपकी रक्षा करे, देखभाल करे, कि किसी प्रकार की बुराई ना हो, किसी प्रकार की बीमारी ना हो, कि ईश्वर आपके घर द्वार, आपके खेत बारी और आपके जितने भी जानवर पक्षी हैं उन सब को भी आशीर्वाद दे। यही मेरी कामना है, यही मेरी प्रार्थना है ईश्वर से। धन्यवाद। अति माननीय महाधर्माध्यक्ष फिलिक्स टोप्पो येसु समाजी को उनके सुंदर संदेश के लिए धन्यवाद देते हुए अपनी कृतज्ञता प्रकट करती हूँ। पुनः जोरदार तालियों के साथ उनका धन्यवाद करें। आदिवासी का अर्थ ही है मूल निवासी। आदिवासियों का बोलना ही संगीत है और उनका चलना ही नृत्य है। आज के शुभ दिन में पारंपरिक परिधान एवं पारंपरिक तरीके द्वारा हमारी ये माता पिता एवं भाई बहनें कहेंगे हम आदिवासी हैं और आदिवासी ही रहेंगे, हम हाय हेलो नहीं जो हार कहेंगे। तो लीजिए आप सभी के सामने पेश है संस्कृति, सुंदर संस्कृति की प्रस्तुति। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हमारे हुलुंडू पल्ली के आंबर टोली की माता पिताओं एवं भाई बहनों के द्वारा पेश है आप सभी के सामने एक आदिवासी नृत्य। संता को डाली दो रे का पेट दे आ।
ओ सरजों बा मोए तना बा तना उड़ागा जलो माले पे ओ सरजों बा मोए तना बा तना उड़ागा जलो माले पे ए सुरसांगे हैं नारी तना सोतोता रजागा दूरी जाले पे सरजों बा सिस्टरगन है आप लोग का खाना स्टॉल नीचे लगा हुआ है पीछे में लगा हुआ है What?
इतना चाहिए, हाँ इतना चाहिए। हे अलिया अबाया हम सिरी मारे मेरा मेया अमानु तुम पाबी तरे अमानु तुम पाबी तर पाबी तर पाबी तारो का अबाम सिरी मारे अबू ओए ना हो रे भूत
बांबाटोली की माता पिताओं को उनके सुंदर नृत्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इसी के साथ इस सेवक फादर कॉन्स्टेंट लिवंस की 138वीं वर्षगांठ और वार्षिक तीर्थयात्रा का यह स्वागत कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को दिल की गहराई से कोटि कोटि सा धन्यवाद। यहाँ जितना उपस्थित माता पिता भाई बहनों से आग्रह है कि जहाँ स्कूल के उत्तर साइड और पश्चिम साइड में जो भी दूर दूर से आए हुए हैं अतिथिगण हमारे, उनके लिए भोजन का बंदोबस्त किया गया है। आपके उससे हट के इधर तीन है जो हमारे नज़दीकी माता पिता भाई बहनों का स्टॉल है, साथ ही हमारे जितने सिस्टर फादरगण प्रो आपका बिशप स्वामी, साथ ही यहाँ जितना ब्रदर आए हुए हैं अपस्तुलिक के बच्चे हैं उनके लिए उधर टोल लगाया हुआ है नीचे की साइड में जहाँ पर किचन लगा हुआ है वहाँ पर। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों को, अपने अपने स्टॉल में लाइन लगाइएगा, आराम से खाइए, जल्दी हो जाएगा। भीड़ मत लगाइएगा ज़्यादा, लाइन से जाइए, लाइन से खाना लीजिए आप लोग।